खालिस्तान मूवमेंट करंटली सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चलने वाला मुद्दा बन चुका है और लगभग हर चैनल इसको कवर कर रहा है। पर क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और आखिर सिख खालिस्तान की मांग क्यों कर रहे हैं? तो ये जानने के लिए चलते हैं 1823 में, जब सिखों का अपना एक एम्पायर हुआ करता था जिसे कि महाराजा रंजीत सिंह जी रूल किया करते थे। उनकी पावर के आगे अंग्रेज भी झुकते थे। उनके जीते जी इस एम्पायर पर ब्रिटिशर्स ने कोई भी अटैक नहीं किया, पर उनके देहांत के बाद ही पूरे सिख एम्पायर पर कब्जा कर उसे हरियाणा से मिलाकर एक कर दिया था। अब क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के बेटों को ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन भेज दिया था पढ़ने के लिए, तो सिख एम्पायर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई बचा ही नहीं था। तो जो लोकल महंत थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से गुरुद्वारा के प्रीस्ट बनकर सिख एम्पायर को कंट्रोल करने लगे, और ये चीज सिखों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने अकाली मूवमेंट किया और 175 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई, SGPC या कहें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो इन्होंने महंतों को गुरुद्वारों से हटाया और गुरुद्वारों को रेगुलेट करने लगे। सिखों को लगता था कि जब ब्रिटिशर्स वहां से जाएंगे तो उनका सिख एम्पायर उन्हें वापस मिल जाएगा। पर 1929 में मोतीलाल नेहरू ने जब पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया और कहा कि इंडिया एक नेशन बनेगा जो कि डेमोक्रेसी फॉलो करेगा, तो ये बात सिखों को कुछ खास पसंद नहीं आई। जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के जा रहे थे तो सिखों ने 1946 में ये बात रखी कि जो पंजाब उनसे लिया गया था वो उन्हें वापस कर दिया जाए। तो सामने से जवाब आया कि ये सब कुछ नंबर्स के दम पर डिसाइड होगा, और उस समय सिखों की संख्या देश की पॉपुलेशन के मुकाबले सिर्फ 1% थी, एंड माइनॉरिटी होने की वजह से सिखों ने यूनाइटेड इंडिया का सपोर्ट किया। पर जब बात आई हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन की, तो सिखों ने कहा कि उन्हें तब तक यूनाइटेड इंडिया में रहने में कोई भी परेशानी नहीं है जब तक पार्टीशन नहीं होता। उनका कहना था कि अगर पार्टीशन होगा तो उन्हें भी सिखिस्तान चाहिए, और इसके चलते 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने सिखों से वादा किया कि उन्हें नॉर्थ इंडिया में एक अलग प्लेस दी जाएगी, और फिर सिखों ने पार्टीशन के खिलाफ कुछ नहीं कहा। पर पार्टीशन में सबसे ज्यादा सिखों को ही झेलना पड़ा, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी लैंड एंड पॉपुलेशन जिस पार्ट ऑफ पंजाब में रहती थी वो पार्ट पाकिस्तान के पास चला गया था। यही नहीं, बल्कि पार्टीशन के दौरान जो मारकाट हुई थी उसमें भी सबसे ज़्यादा सिखों की ही मौत हुई थी, और जो अलग जगह उन्हें देने का वादा किया गया था वो भी गवर्नमेंट नहीं निभा पाई। अब जब सिखों ने अपनी माइनॉरिटी को पंजाब में मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया तो उन्हें उम्मीद थी कि वो अपना अलग स्टेट का सपना ज़रूर पूरा कर लेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए सिख मेजोरिटी वाले प्लेसेस को मिला के एक स्टेट पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन सिखों को दिया, जिसे अकाली दल की पावर के बढ़ते बाद में खारिज कर दिया गया। अब 1956 में जब स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया जा रहा था, तो सिखों ने मांग की कि पंजाब में पंजाबी बोलने और गुरुमुखी लिखने वाले ज्यादा लोग हैं, तो उन्हें पंजाब स्टेट दे दिया जाए जहां ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी हो। तो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था, और इसकी वजह से मामला खराब होना शुरू हो गया था। यही सिखों का ब्रेकिंग पॉइंट था। उन्होंने पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका मोटिव था पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाना, और ये आंदोलन इतना बढ़ गया कि पंजाबी सूबा स्लोगन्स बोलने तक पे बैन लगा दिया गया था, और फर्स्ट टाइम पुलिस गोल्डन टेम्पल में घुसी और इस मूवमेंट के वॉलंटियर्स को अरेस्ट किया। और इन सब आंदोलन के चलते भी 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में सिख सोल्जर ने भारत को अनकंडीशनली सपोर्ट दिया, और लोगों को सिख कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस का पता चला, जिसके चलते फाइनली 1966 में पंजाब उन्हें दे दिया गया, पर उन्हें चंडीगढ़ एज अ कैपिटल हरियाणा के साथ शेयर करने को कहा गया, जो कि सिखों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अब फर्स्ट टाइम इलेक्शन के दौरान अकाली दल ने इलेक्शन जीता और पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म की, पर ये पॉलिटिक्स के चलते 1977 तक कभी अपना टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाए। जीत कर भी इनकी सरकार किसी न किसी रीजन की वजह से गिर जाती थी, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस को ब्लेम किया, क्योंकि 1972 में कांग्रेस पहली बार पंजाब में जीत चुकी थी। और अब इन सब के चलते 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन रखा, जिसमें जो पंजाब के इशू थे लाइक चंडीगढ़ को पंजाब में वापस लाना, पंजाब का पानी पंजाब को ही मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का दखल पंजाब में कम होना चाहिए, और ऐसे कई सारे मुद्दे पेश किए थे। और इस रेजोल्यूशन के चलते अकाली दल काफी फेमस हुआ और आगे चलकर उन्होंने कांग्रेस को भी हरा दिया। अब क्योंकि अकाली दल रिलीजन के दम पर पॉलिटिक्स कर रहा था, तो कांग्रेस को भी कोई ऐसा चाहिए था जो कि उनसे भी ज्यादा रिलीजियस हो। तो फिर कांग्रेस लेकर आई एक ऐसे इंसान को जिसने कि पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स ही बदल दी। मैं बात कर रहा हूँ संत जरनेल सिंह भिंडरवाले की, जो कि दमदमी तकसल के लीडर थे,
भिंडर वाले ने लीडर बनते ही गांव-गांव में जाकर बाल ना कटवाने और सिख धर्म को फॉलो करने की और नशीले पदार्थों का सेवन ना करने की मुहिम चलाई, जिसके चलते वो काफ़ी फेमस हुआ। क्योंकि भिंडर वाला को कांग्रेस का सपोर्ट था तो वो अकाली दल के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ और 13 अप्रैल 1978 में जब निरंकारी सिखों ने एक इवेंट रखा जिसमें कि सभी निरंकारी सिख इकट्ठा होने वाले थे, तो भिंडर वाला ने कहा कि वो ये मीटिंग नहीं होने देगा, जिसकी वजह से सिख और निरंकारी सिखों में लड़ाई हुई और कई सारी जानें भी गईं। पर फिर भी भिंडर वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब 1980 में निरंकारी सिखों के लीडर की हत्या हुई जिसमें कि भिंडर वाले के लोगों का नाम सामने आया, तो फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब देश में ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करने के लिए सेंसस चल रहा था, तो भिंडर वाला ने पंजाब में अनाउंस किया कि जब सभी लोगों से पूछा जाए कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं तो सब पंजाबी ही बताएं, जिससे कि हिंदू डर गए थे। तो इसके चलते लाला जगत नारायण ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें कि उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं सेंसस के दौरान वही बताएं। और इसकी वजह से उन्हें गोली मार दी गई थी। इस इंसिडेंट के चलते अब कांग्रेस पे प्रेशर आ चुका था भिंडर वाला को गिरफ्तार करने का, वरना हिंदू कम्युनिटी बुरा मान जाती। तो जैसे ही भिंडर वाला को अरेस्ट किया गया तो पूरे पंजाब में वायलेंस शुरू हो गया और कई लोगों की जानें चली गईं। और ये दंगे इतने बढ़ गए थे कि भिंडर वाले को जेल से आज़ाद करना पड़ा। तो अब भिंडर वाले की पॉपुलैरिटी देख अकाली दल ने उससे हाथ मिला लिया था और 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जिसका मकसद था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास कराना। 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स होने वाले थे और धर्म युद्ध मोर्चा को पता था कि अगर वो यहाँ प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें ग्लोबल कवरेज मिलेगी। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टाइट सिक्योरिटी की और दिल्ली की ओर आने वाले सिखों और उनके परिवारों की अच्छे से तलाशी होने लगी। इवन जो सिख सोल्जर्स भी थे उनको भी बख्शा नहीं गया, जिसकी वजह से सिख काफी भड़क गए थे। और भिंडर वाले ने इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं किया और इसका बदला लेना शुरू किया। 22 जुलाई 1982 को पंजाब के सीएम दरबारा सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। अगस्त 1982 में एक 126 पैसेंजर प्लेन को हाईजैक किया गया, जिसे हाईजैकर्स पाकिस्तान ले गए और जब पाकिस्तान ने उसे लैंड करने से इनकार कर दिया तो वो वापस अमृतसर ले आए और सरेंडर कर दिया। बैंक लूटे जा रहे थे, सरकार के हथियार लूटे जा रहे थे, पुलिस ऑफिसर्स को मारा जाने लगा था। अक्टूबर 1983 में चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही बस को हाईजैक कर उसमें से 38 हिंदुओं को उतार के गोली मार दी गई। पंजाब में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। 15 दिसंबर 1983 को भिंडर वाले ने अपनी लोकेशन को गोल्डन टेंपल के अंदर अकाल तख्त पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उसे यकीन था कि गवर्नमेंट टेंपल पर अटैक नहीं करेगी। अब ये तो कंफर्म था कि लड़ाई होने वाली है, तो गवर्नमेंट और भिंडर वाला ने अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अकाल तख्त में हथियार आना शुरू हो गए थे और इधर गवर्नमेंट ने एक और समझौते का प्रपोजल भिजवाया, जिसमें उन्होंने आनंद साहिब रेजोल्यूशन की कुछ मांगों को छोड़कर बाकी सभी मांगे एक्सेप्ट कर ली थी। पर भिंडर वाले ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अब प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट भी लड़ाई के लिए तैयार थी। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कमेंस किया और 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू और कम्युनिकेशन जैम लगा दिया गया। सभी न्यूज रिपोर्टर्स को भी बस में बैठाकर अमृतसर के बाहर कर दिया गया। 3 जून को गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन काफी श्रद्धालु गोल्डन टेंपल के अंदर थे, जिन्हें की भिंडर वाले ने रोक लिया था ताकि आर्मी अंदर चार्ज ना कर पाए। पर आर्मी ने फिर भी चार्ज किया और 5 जून को अंदर सभी ने सरेंडर कर लिया था। अब इस ऑपरेशन को रश इसलिए किया गया क्योंकि पंजाब के आसपास के गांव से भिंडर वाले के हजारों सपोर्टर्स हथियारों के साथ अमृतसर की ओर आने लगे थे, जिसके चलते गोल्डन टेंपल को भारी नुकसान हुआ। भिंडर वाले और उसके सपोर्टर्स को जान से मार दिया गया था। लेकिन जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और गोल्डन टेंपल की फोटोज जब दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया के सिख भड़क चुके थे। आर्मी के 4000 से ज्यादा सिख सोल्जर्स ने रिबेल कर अपने सुपीरियर्स को मार के अमृतसर पहुंचने की कोशिश की। कई सिख एमपीज एंड एमएलएज ने भी रिजाइन कर दिया था। भिंडर वाले की भले ही डेथ हो गई थी, लेकिन उसके सपोर्टर्स ने दंगे शुरू कर दिए थे। गवर्नमेंट ने अकाली दल के लीडर्स को भी अरेस्ट कर दिया और आर्मी ऑपरेशन वुडरोज के अंतर्गत सिर्फ सिखों की हथियारों के लिए तलाशी लेने लगी, जिसने कि सिखों को और भड़का दिया। और इसकी रिटेलिएशन में इंदिरा गांधी की उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स ने 18 गोलियां मार के हत्या कर दी थी। और अब इसकी वजह से हिंदू सिख टेंशन बहुत बढ़ गई थी और जो भी सिख दिख रहे थे उन्हें बुरी तरह पीटा जा रहा था, बल्कि भारत के प्रेसिडेंट जैल सिंह के ऊपर भी पत्थर फेंके गए। 1984 में ये एंटी सिख रायट इतना ज्यादा बढ़ गया कि खून का बदला खून के नारे लगाए जाने लगे। हजारों सिखों को मारा गया
पर पुलिस ने कोई भी एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया। जब 1984 में राजीव गांधी पीएम बने तो उन्होंने अकाली दल के लीडर्स को जेल से बाहर निकाला और उनके साथ राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन किया, जिसमें कि मेन पॉइंट ये था कि चंडीगढ़ पंजाब में शामिल कर दिया जाए। पर भिंडर वाले के सपोर्टर्स को यह अकॉर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अकाली दल के लीडर हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। और हरियाणा के सीएम भजन लाल ने राजीव गांधी से कहा कि अगर उन्होंने चंडीगढ़ पंजाब को दिया तो हरियाणा के हिंदू उन्हें वोट नहीं देंगे, जिसके चलते वो इस अकॉर्ड से पीछे हट गए। भिंडरवाला के कई सारे सपोर्टर जिंदा थे जो कि खालिस्तान की मांग टाइम टू टाइम करते रहते थे और सरकार उन्हें धीरे धीरे एलिमिनेट कर रही थी। 1986 एंड 1988 में फिर गोल्डन टेम्पल में भिंडरवाले के समर्थक बैठ गए थे, जिनसे डील करने के लिए इस बार पुलिस को भेजा गया और बिना टेम्पल को नुकसान पहुंचाए ये मिशन कैरी आउट किया गया। अब धीरे धीरे पंजाब के हालात सुधरने लगे थे और खालिस्तान की मांग अब कम होने लगी थी। फिर 2015 में जब बुर्ज जवाहर सिंह गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हुई और कुछ दिन बाद गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने डिसरिस्पेक्टफुल वे में रास्ते में पड़े हुए मिले, जिसकी वजह से खालिस्तान का मुद्दा फिर उठने लगा। ऐसा नरेटिव बन गया कि सिख धर्म पर फिर अटैक हो रहा है और खालिस्तान मूवमेंट ने इंडिया के बाहर भी तेजी पकड़ ली थी। इन्हीं के बीच एक दीप सिंधु नाम के एक एक्टर थे जिन्होंने वारिस पंजाब दे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका ऑब्जेक्टिव था पंजाब को सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके राइट्स वापस दिलाना। पर पंजाब इलेक्शन से पहले दीप सिंधु की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब सामने आते हैं अमृतपाल सिंह, जो कि दुबई से ही दीप सिंधु के टच में थे पर कभी मिले नहीं थे। दीप सिंधु की डेथ के बाद उनके सपोर्टर्स के द्वारा सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे का लीडर बना दिया जाता है। रोड़े, जो कि भिंडरवाले का पुश्तैनी गांव है, वहां दस्तरबंदी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अमृतपाल सिंह ने उन्हें बताया कि भिंडरवाले उनके आदर्श हैं और भिंडरवाले की तरह ही ड्रग्स के बारे में बात की और गुरु ग्रंथ साहिब के डिसरिस्पेक्ट को अपना मुद्दा बनाया और सिखों को अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कहा। अमृतपाल सिंह ने कहा कि जो भी अब गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसे पुलिस को देने की बजाय हम सजा देंगे। और इन सब बातों के चलते अमृतपाल सिंह सोशल मीडिया सेंसेशन भी बनता जा रहा है और यंग जनरेशन का भी भारी सपोर्ट उसे मिल रहा है। और उनके साथ ही तूफान सिंह को जब पुलिस ने किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किया तो अमृतपाल सिंह के साथ हजारों लोग हथियार लेकर एक साथ इकट्ठे हो गए और अमृतपाल सिंह ने अपने सर पर गुरु ग्रंथ साहिब रख दी, जिसके चलते पुलिस भी उसको कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो कुछ करते तो गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरिस्पेक्ट हो जाती। इवेंचुअली पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने झुकना पड़ा और तूफान सिंह को रिहा कर दिया गया और इस इंसिडेंट के चलते कई सारे पुलिस वाले भी घायल हुए। अमृतपाल सिंह को इस इंसिडेंट के चलते बहुत पॉपुलैरिटी मिली। अमृतपाल का कहना है कि वो डेमोक्रेसी के थ्रू पीसफुली खालिस्तान मांग रहे हैं, मगर उन्होंने वायलेंस दिखाने के लिए भी मना नहीं किया है। मीडिया उन्हें नेक्स्ट भिंडरवाला कह रही है। अब देखना यह है कि ये बात आखिर कहां तक जाती है। तो यही थी दोस्तों खालिस्तान मूवमेंट की पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।